हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनत गार्डनिंग ऑन टेरेस। देखिए विंटर का फ्लावर है ये, एक और डेंथस। आज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर है, रेड कलर। और विंटर सीज़न में ये पिटूनिया के बाद डेंथस की बारी आती है लगाने की। आप इसको नर्सरी से लाए बगैर रह नहीं सकते, ये इतना प्यारा लगता है देखने में। देखिए कलर इसके कितने खूबसूरत खूबसूरत से कलर होते हैं। ये देखिए, ये एक पिंक कलर है, ये थोड़ा डार्क पिंक है, और वो वाला देखिए वो लाइट पिंक है। वैसे ज़्यादा पिंकिश ज़्यादा होते हैं इसके कलर। एक ये देखिए कलर, थोड़ा ये पर्पल के साथ पिंक है। ये देखिए, ये इसका फ्लावर कितना खूबसूरत लगता है बहुत ये सर्दियों में। सब विंटर की बहार है, ये डेंथस है, पिटूनिया है। आप देखिए कितने प्यारे लगेंगे, और आप अपने गार्डन में इसको लगाइए। इसको इजी टू ग्रो है लगाना, आप इसको लगाइए। आप इसके लिए वही 30% वाला जो रेशो है उसके ही ये इसकी ये बनाइए। सोयल जो है देखिए एकदम ऐसे पोरस बनाइए, बिल्कुल जो हाथ में ऐसे लीजिए, देखिए ये गिर रही है बिल्कुल। इस तरह की मिट्टी में आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, और फ्लावरिंग भी बहुत पूरा विंटर सीज़न इसमें फ्लावरिंग आती रहेगी। और इसमें अगर ज़्यादा फ्लावर लेना है तो जो इसके फ्लावर होते हैं स्पेंड हो जाएं, तो उनको आप कि कलर कितना अच्छा है, और स्पेंड फ्लावर ये दिख रहा है आपको, इसको आप इस तरह से कट कर दीजिए। जब आप कट कर देंगे तो इसमें यहीं पे से और अच्छे से जो नई नई शूट आएंगी, और उसमें और ज़्यादा इस तरह से कलियाँ आएंगी, तो ये बहुत अच्छे से इसको पूरा ये प्लांटर भर के फूल खिलेंगे। और इसके जो आप इसका पानी की इसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो बस इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट रखिए। ये देखिए इसे इस तरह से बिल्कुल सोगी सी ना बना दीजिए कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया आपने तो फिर इसके रूट रॉड हो जाएंगे। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा गहरे में भी नहीं होती, शैलो फैली हुई होती हैं। तो इसमें आप वाटरिंग का ख्याल रखिए, और थोड़ा कम वाटरिंग डालिए, बस मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहे तो ये इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छी से करेगा। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रखिए, विंटर की सनलाइट में 6 से 8 घंटे की सनलाइट आप इसको दीजिए। और ये सन लविंग प्लांट है ये भी विंटर का, बहुत खूबसूरत सा। और देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें जो फर्टिलाइज़र की हम बात करें, तो आप जब इसको रिपोर्टिंग करेंगे अपने प्लांटर में, तो जैसे एक हिस्सा हम लोग खाद मिलाते हैं, तो आप इसमें मतलब थोड़ी बढ़ा लीजिएगा कंपोस्ट की मात्रा, जो भी आप कंपोस्ट डाल रहे हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो या पत्ती वाली खाद हो, जो भी आप मिला रहे हो, या आपका किचन वेस्ट से बना हुआ जो खाद होता है वो, तो आप उसकी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा लीजिएगा। तो क्योंकि ये सब जो हैवी फीडर ही हैं, पिटूनिया है, डेंथस है, ये सब हैवी फीडर प्लांट हैं, तो आप इसमें कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और फिर लगाने के कम इसको 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद आप एक मुट्ठी खाद और दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो खाद, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर खाद हो, वो आप एक मुट्ठी के इतनी इस पौधे को, जिसे आपने अभी जैसे मैंने अभी लगाया इसको, समझिए नवंबर में लास्ट में लगाया, तो अब इसको हम दिसंबर की लास्ट में एक मुट्ठी गोबर खाद के और दे देंगे। और लिक्विड खाद तो आप 15 दिन में एक बार इसको देते रहिए, 15 दिन में एक बार आप इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो आपको देना ही है, मतलब आप 15 दिन में एक बार दीजिए। सरसों की खली का बना लीजिए, बहुत बेस्ट रहता है विंटर फ्लावरिंग के लिए, घर में ही उसको बनाइए। और सरसों खली का जो फर्टिलाइज़र बनता है उसका वीडियो बनाइए, वीडियो जल्दी आपसे शेयर करेंगे कि कैसे बनाएँ आप उसे घर में, और वो आप इनको देंगे जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र रहता है। और 15 दिन में कम से कम इनके ऊपर एक बार नीम ऑयल का ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि जो आज वो
फंगस लग जाती है हमारे प्लांट को या जो डिजीज़ लग होते हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं, उससे बचा रहेगा तो फिर ये अच्छे से हेल्दी प्लांट रहेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। और आप इसको पानी सुबह के वक्त ही दीजिए, सुबह बेस्ट रहता है पानी देना इसको। और फूलों में पानी ना डालें आप, ना पत्तियों पे पानी गिराएं, डायरेक्ट मिट्टी में ही पानी डालें। हाँ, ये एक आध हफ्ते में इसको आप नहला सकते हैं प्लांट को, तो साफ़ सुथरा रहे, नहाया हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दीजिए और रोज़ रोज़ आप फ्लावर पे वाटरिंग ना करें। और आप अपने गार्डन में इसको ऐड करिए, ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और बहुत खूबसूरत से प्लांट है ये। फ्लावर के कलर भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, सन लविंग प्लांट है, हार्डी प्लांट है। आप इसको अगर बचा ले जाए तो ये पूरा साल आपके पास रह सकता है। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगे, फ्लावर प्लांट कैसे लगे, कलर कैसे लगे, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये देखिए जो छोटे पौध लगाई थी, ये एस्टर की पौधे, और ये देखिए ये डहलिया की पौधे, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।